हेलो स्टूडेंट्स नाउ टाइम फॉर चैप्टर फ़ोर हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स ऑफ इंडिया इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट फेमस हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन इंडिया इस चैप्टर में हम रीड करेंगे जो इंडिया के हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स हैं उसके बारे में इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स मोनूमेंट एंड एंशियन टेम्पल्स दिस इम्पोजिंग बिल्डिंग फ्रॉम द पास्ट आर ऑफ़ ग्रेट इंपॉर्टेंस टू अस बिकॉज दे रिमाइंड अस ऑफ ग्लोरियस पास्ट एंड रिच हेरिटेज इंडिया में कई ऐसे मोनूमेंट्स हैं जो टेम्पल्स हैं उनके एंड वो उनकी जो डिज़ाइनिंग वो बहुत ज़्यादा अच्छी है बहुत ही अच्छे से उन्हें बनाया गया है और ये जो बिल्डिंग्स हैं इम्पोजिंग बिल्डिंग हैं इन्हें पास्ट में जो बनाया गया था उनकी हमारे अब कंट्री में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि ये हमें याद दिलाते हैं जो हमारे ग्लोरियस पास्ट है उसके बारे में और जो हेरिटेज था उसके बारे में आ स्टेचू और बिल्डिंग डेट इज बिल्ड टू ऑनर ए स्पेशल पर्सन और इवेंट इज कॉल्ड मोनूमेंट मोनोमेंट डेट वर बिल्ड इन द पास्ट आर कोल्ड हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स जो स्टैचू हैं या जो बिल्डिंग जो बनाई गई थी किसी स्पेशल पर्सन या पर्सन के ऑनर में या उसके इवेंट में जो बिल्डिंग्स या स्टैचू बनाए गए थे उन्हें बोलते हैं मोनूमेंट और जो मोनूमेंट बनाए गए थे पास्ट में उन्हें बोलते हैं हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स दे आर आर मैनी हिस्टोरिकल मोनूमेंट्स इन इंडिया दे रिफ्लैक्ट द रिच हेरीटेज ऑफ द आर्ट एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द कंट्री मॉर एवर दे आर आर सोर्स नॉलेज अबाउट आवर पास स्टडी अबाउट द मोनूमेंट यानी कि यहाँ हमारे इंडिया में कई हिस्टोरिकल मोनोमेंट्स हैं जो कि रिफ्लेक्ट करते हैं हमारे हेरीटेज को जो हमारी आर्ट है जो आर्किटेक्चर हैं हमारी कंट्री की उन्हें यानी कि उनको हाईलाइट करती है और इंडिया इनके वर्ष हम मोनूमेंट्स देखते हैं तो उनके बारे में हम पता चलता है कि ये कब बनाए गए थे और किस लिए बनाए गए थे जो कि पास्ट में बनाए गए थे तो हम इन मोनूमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे फर्स्ट देखिए ताजमहल द ताजमहल इज़ द मोस्ट फेमस मोनूमेंट ऑफ इंडिया लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना द ताजमहल वॉज बिल्ड बाय द मुगल एम्प्रर शाहजहाँ वू रूल इंडिया फ्रॉम सिक्सटीन ट्वेंटी एट टू सिक्सटीन फिफ्टी एट जो ताजमहल है बहुत ही फेमस मोनूमेंट है इंडिया का जो कि आगरा में है और यमुना नदी के किनारे पर है ताजमहल बनाया गया था मुग़ल एम्प्रेस शाहजहाँ के दौरान कि उन्होंने इसको बनवाया था और और जो मुगल एम्प्रेस थे शाहजहाँ उन्होंने जो राज्य चलाया था वो 1628 से 1658 तक उनका राज्य उन्होंने चलाया था द ताजमहल मीन्स द प्राइड ऑफ द प्लेस ताजमहल का मीन से उस प्लेस पर कर, उस प्राइड ऑफ प्लेस यानी कि उस प्लेस पर गर्व इन द ईयर 1631 मुमताज़ महल शाहजहाँ वाइफ टाइड यानी कि 1631 में शाहजहाँ की जो वाइफ थी मुमताज़ उनकी डेथ हो गई थी द आई डिसाइड टू बोल द मोस्ट ब्यूटीफुल टॉम्ब इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ शाहजहाँ ने डिसाइड किया था कि वो अपने एक टॉम्ब बनवाएंगे अपनी वाइफ मुमताज़ की याद में ही समोंट द बेस्ट आर्टिस्ट एंड आर्किटेक्ट फ्रॉम इंडिया तुर्की पर्शिया एंड अरेबिया इट टुक मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड फ्रॉम मैन वर्किंग ओवर ए पीरियड ऑफ एटीन ईयर्स टू कंस्ट्रक्ट द ताजमहल इनकी ताजमहल बनवाने के लिए शाहजहाँ ने बेस्ट आर्टे आर्टिस्ट बनाए थे आर्किटेक्ट बनाए थे जो कि इंडिया तुर्की परसिया और अरेबिया से बुलवाए गए थे एंड ज़्यादा के इसमें कम से जो वर्क वर्किंग जिन्होंने वर्क किया था ट्वेंटी थाउजेंड के लगभग वहाँ पर लोग थे जिन्होंने ये ताजमहल बनाया था एटीन इयर्स लग गए थे इस ताजमहल को बनाने में यानी कि सिर्फ एक ताजमहल एटीन ईयर में बनकर तैयार हुआ था दिस फेमस बिल्डिंग इज मेड ऑफ वाइट मार्बल एंड स्टैंड ऑन ट्वेंटी टू फीट हाई मार्बल प्लेटफॉर्म इट इज़ एन एट साइडेड स्ट्रक्चर द मार्बल वॉल्स ऑफ द ताजमहल आर इनलेट विद डिफरेंट काइंड ऑफ सेमी प्रेसियस स्टोन्स एंड लैक मार्बल इंस्क्रिप्शन फ्राम द कुरान जो ये बिल्डिंग है उसको जो वाइट मार्बल से बनाया गया था जिसकी हाइट ट्वेंटी टू फीट है उसके प्लेटफॉर्म से एंड ये एट साइडेड इस्ट्रक्चर है और जो मार्बल की वॉल हैं जो वाइट मार्बल है वो बहुत ही अच्छा उसमें क्या है कई ऐसे इस्टोन्स बहुत ही ज़्यादा अलग कीमती स्टोन्स हैं जो इसका यूज़ इसमें किया गया था यानी कि इनलेट देखिए यहाँ पर वोटर इनलेट यानी कि उन्हें उनमें लगाया गया था स्टोन से जरा गया था और उसमें जो है क़ुरान की एक लाइन जो लाइन है कुरान की वो भी लिखी गई थी द बिल्डिंग मटेरियल फॉर द स्ट्रक्चर वर्कआउट फ्रॉम अरेबिया इजिप्ट तिब्बत एंड वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया जो बिल्डिंग जो मटेरियल का बिल्डिंग का यानी कि ताजमहल का जो मटेरियल था वो अरेबिया इजिप्ट तिब्बत ऐसे इंडिया के अलग अलग जगहों से वो मंगाया गया था द टॉम ऑफ मुमताज़ महल सिचुएटेड इन साइंड ता ताजमहल बिल्डिंग जो टॉम है तो मुमताज़ महल का वो ताजमहल के अंदर है शाहजहाँ प्लान टू बुल्ड एन आइडेंटिकल टॉम ऑफ ब्लैक मार्बल फॉर हिमसेल्फ ऑन द अदर साइड ऑन द रिवर बट ही वॉज इम्प्रिजन बिफोर ही कुड नॉट फुलफिल हिज ड्रीम शाहजहाँ ने प्लान किया था कि वो चाहते थे कि एक और वो आ, इस तरीके का कुछ बिल्डिंग बनाए जिसका जिसमें वो ब्लैक मार्बल का यूज़ करेंगे ताजमहल में वाइट मार्बल का यूज़ किया गया था उसमें वो ब्लैक मार्बल का यूज़ करेंगे इनके ब्लैक मार्बल से बनवाएंगे और यमुना नदी और नदी के दूसरे साइड पर वो उसको बनवाएंगे लेकिन उनका ये ड्रीम पूरा नहीं हो पाया था द कुतुब मीनार द कुतुब मीनार इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स इन दिल्ली दिस इज 72 मीटर हाई माइनरेट इज द हाईएस्ट स्टोन टावर इन इंडिया जो कुतुब मीनार है वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है यहाँ पे कई टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं इसको देखने के लिए इसकी जो हाइट है सेवेंटी टू मीटर की है और इसमें ये एक हाइस्ट टावर है इंडिया का इट इज मेड अप ऑफ रेड सैंड स्टोन और ये रेड स्टोन से बना हुआ है वर्स फ्रॉम द कुरान आर कर्व इनकी कुरान की कुछ लाइन हैं जो कि इसमें लिखी हुई हैं इट हैज़ थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन स्टेप्स लीडिंग टू द टॉप और इस टॉप तक जाने के लिए इसके सेवन थ्री हंड्रेड सेवेंटी नाइन स्टेप्स द कुतुब मीनार वुबुद्दीन ऐबक द फर्स्ट मुस्लिम ऑफ इंडिया ये कुतुब मीनार का जो नाम दिया था बाद में दिया था कुतुबुद्दीन के नाम पर दंस्ट्रक्शन ऑफ दिस मोनोमेंट स्टार्टेड इन दाइन इन द ईयर इलेवन हंड्रेड नाइन्टी थ्री अंडर द सुपरविजन ऑफ कुतुबुद्दीन एबक एंड वाज कम्पलीटेड इन थर्टीन सिक्सटी एट बाई सुल्तान फरोज शाह लोग यानी कि जो इसका जो कंस्ट्रक्शन था जो इस मॉन्यूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था वो 1193 में हुआ था कुतुबुद्दीन ऐबक के अंडर में लेकिन जो कंप्लीट हुआ था वो सिक्स में हुआ था जिसे फिरोज शाह तुगलुक ने कंप्लीट करवाया था द कुतुब मीनार इज सराउंडेड बाय रूइन ऑफ सेवरल अदर एंशियट मोनोमेंट एंड द एरियाज कलेक्टिवली नोन एज द कुतुब कॉम्प्लेक्स यू एन ई एस ई हेज़ डिक्लेयर दुतुब कॉम्प्लेक्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड टेक केयर ऑफ इट्स मैंटेनेंस यानी कि जो कुतुब मीनार है इसके चारों ओर क्या है अलग एनशेंट मोनूमेंट हैं और इसकी वजह से कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना गया था और यू एन ई एस सी ओ ने डिक्लेयर किया था कि कुतुब कॉम्प्लेक्स जो है इनकी कुतुब मीनार जो है वो एक हेरीटेज बन चुका है वर्ल्ड हेरीटेज बन चुका है और इसकी इसका ध्यान रखा जाए नियर द कुतुब मीनार देयर इज एन आयरन पिलर इट हैज़ रिमेन रस्ट फ्री फॉर द लास्ट फिफ्टीन हंड्रेड ईयरस कुतुब मीनार के पास ही एक आयरन पिलर है इनकी लोहे का पिलर है जो कि रस्ट फ्री यानी कि अभी तक उसमें जंग नहीं लगी जंग बिल्कुल नहीं है पिछले पंद्रह सौ सालों से चार मीनार द चार मीनार इज मोर देन फोटी फोर हंड्रेड ईयरस ओल्ड एंड इज सिचुएटेड एट हैदराबाद इट वॉज बुल्ड बाई सुल्तान मोहम्मद क्यूली गुतुब शाहलीब्रेट द इरेडिकेशन ऑफ द प्लेग्यू एपिडेमिक फ्रॉम द सिटी रेक्टेंगुलर फोर आर्ट्रक्चर स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इज वन वन हंड्रेड एट्टी फीट हाई इट हैज़ फोर ब्यूटिफुली करव माइनरेट एट द फोर कॉर्नर्स इनके जो चार मीनार हैं वो लगभग चार सौ साल पुराना है जो कि कहाँ पर है हैदराबाद में है और इसे जो बनाया गया था वो सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने के द्वारा बनाया गया था ताकि वो जो सेलिब्रेश था अच्छा। उसकी वजह से उसे सेलिब्रेशन के लिए बनाया गया था सिटी में एंड ये क्या था रेक्टेंगुलर था फोर फोर शेप थी इसकी एंड इसकी जो हाइट है जो इनकी मीनार हैं देखिए यहाँ पर फोर मीनार्स हैं इसकी जो हाइट है वो है वन हंड्रेड एट्टी फीट इनकी वन हंड्रेड एट्टी फीट की इसकी हाइट है और इसकी जो चारों ओर बहुत ही खूबसूरत फोर पिलर्स हैं फोर कॉर्नर से वन टू थ्री फोर इसीलिए इसे चार मीनार कहते हैं इस वीडियो में इतना ही बाकी का आपका चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराया जाएगा